हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्वी ऑटो कार में। दोस्तों, क्या आप लोग 2023 में एक अच्छी एसयूवी लेने का सोच रहे हैं और आप लोगों का जो बजट है वो है 8 लाख के अंदर का, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ निसान की तरफ से आने वाली प्रीमियम कैटेगरी की निसान मैग्नाइट एक्सवी वेरियंट, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ और आप लोगों का एक नजरिया बदलने वाला हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी एसयूवी है जिसके अंदर आपको सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि अदर एक्सयूवीज आप लोगों को प्रोवाइड करती है, वो भी महंगे प्राइस रेंज के साथ में। एंड इस कार में आपको 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग देखने को मिल जाती है जो कि एशियन एनकैप ने इस कार को प्रोवाइड की है। एंड साथ ही साथ आज मैं आप लोगों को इस कार के सारे स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, माइलेज देन प्राइस बताने वाला हूं, वो भी एक्स शोरूम विद ऑन रोड प्राइस के साथ में। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। एंड अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से। यहां पर आपको निसान का लोगो देखने को मिल जाता है एंड पूरी ग्रिल ऑफर की जाती है जो कि डोमिनेटिंग स्टाइल में देखने को मिल जाती है, बहुत ही प्रीमियम सी। सराउंडिंग में आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्रोम गार्निश देखने को मिल जाती है जिससे बहुत ही प्रीमियम सा लुक फ्रंट का आ जाता है। एंड नीचे आप देखेंगे तो लोअर ग्रिल देखने को मिल जाती है, नंबर प्लेट का स्पेस यूज़ किया गया है एंड जो लोअर ग्रिल है वो फाइबर बॉडी के साथ में आती है। स्किप प्लेट आपको सिल्वर फिनिशिंग में देखने को मिल जाएगी। एंड अब बात कर लेते हैं इस कार के हेडलाइट के बारे में, तो यहाँ पर आपको डीसी हैलोजन बल्ब वाला पूरा हेडलाइट एरिया देखने को मिल जाता है जो कि क्रोम रिफ्लेक्टर के साथ में आता है एंड बहुत ही ब्राइट है। विजिबिलिटी भी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी नाइट के टाइम पर। एंड नीचे के साइड आप आएंगे तो यहाँ पर आपको DRL देखने को मिल जाती है, एल शेप के साथ में आती है एंड बहुत ही प्रीमियम से लगती है, क्रोम गार्निश को यूज़ किया गया है। एंड ये आपको फॉग लैम्प देखने को मिल जाते हैं फ्रंट के बम्पर में एंड यहाँ पर पूरी मैट ब्लैक फिनिशिंग यूज़ की गई डिज़ाइन के साथ में। सो कुछ इस प्रकार का फ्रंट का प्रोफाइल। एंड अब चलते हैं इस कार के फ्रंट बोनेट एरिया के ऊपर साइड में, तो यहाँ पर आपको डुअल मैट ब्लैक फिनिशिंग के वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं, वॉशर का भी प्लेसमेंट यूज़ किया गया है। एंड बोनेट की बात करें तो बोनेट कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर डिज़ाइन कट यूज़ की गई हैं एंड बहुत ही स्पोर्टी लुक प्रेजेंट होता है। एंड अगर बात करें इस कार की फ्रंट से चौड़ाई के बारे में जो कि है 1758 mm की, अच्छी खासी विड्थ देखने को मिलती है एक बेहतर रोड प्रेजेंस के साथ में। एंड अगर आप लोग इस एसयूवी को किसी महंगी एसयूवी के साथ में कंपेयर करेंगे तो कहीं भी आप लोगों को ये कार पीछे देखने को नहीं मिलेगी। एंड ऐसा कुछ पूरा साइड का प्रोफाइल देखने को मिलता है मस्कुलर लुक के साथ में। एंड अगर बात करें टायर्स एंड व्हील्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर ऑफर किए जाते हैं जो कि सीएट की तरफ से आते हैं, जिनका टायर साइज है 195/60 R16 inches के डुअल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील्स के साथ में आते हैं एंड टायर की प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है। निसान की ब्रांडिंग देखने को मिलती है मिडल में, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, व्हील्स के ऊपर आपको पूरी क्लैडिंग देखने को मिलती है, फाइबर बॉडी के साथ में आती है, फ्रंट से यूज़ की गई इस कार के 360 व्यू के साथ में। फेंडर के ऊपर आपको निसान मैग्नेट की बैजिंग देखने को मिल जाती है। रूफ की तरफ चले तो ए ब्लर पूरा मैट ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। एंड रूफ़ की बात कर ले तो कुछ ऐसी आपको प्लेन रूफ देखने को मिलेगी जिसके ऊपर आपको डुअल लाइंस देखने को मिल जाती है फ्रंट से लेकर रियर तक। रूफ रेल्स भी आपको देखने को मिलती है, स्लो फिनिशिंग के साथ में आती हैं डुअल्स एंड बहुत ही स्पोर्टी हैं, ग्लॉसी फिनिशिंग को यूज़ किया गया है। ORVM की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑटो फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में ORVM देखने को मिलते हैं, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आते हैं एंड इसी में आपको LED इंडिकेटर का प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाता है एंड बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में यूज़ किए गए हैं ORVM। नीचे आप डोर्स पर देखेंगे तो सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है, एक स्पोर्टी लुक के साथ में यूज़ की गई है एंड साइड से प्रोफाइल को और ज़्यादा अच्छा कर देती है। डोर हैंडल्स की बात करें तो क्रोम फिनिशिंग के साथ में डोर हैंडल्स हैं, रिक्वेस्ट सेंसर्स विद की का प्लेसमेंट देखने को मिलता है, बी ब्लर भी आपको पूरा ब्लैकआउट देखने को मिलेगा मैट फिनिशिंग में। बैक साइड में आ जाए तो सी ब्लर भी आपको पूरा मैट ब्लैक फिनिशिंग में देखने को मिलता है, क्वार्टर विंडो एरिया देखने को मिल जाएगा ग्लॉसी फिनिशिंग में। एंड यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक एरिया देखने को मिलता है जिसकी कैपेसिटी है पेट्रोल में 40 लीटर की। सो कुछ इस प्रकार का साइड प्रोफाइल जो कि किसी भी एसयूवी के मुकाबले कम नहीं है कहीं से भी। एंड अब मैं आप लोगों को इस कार का साइड से डायमेंशन बता दूं तो लेंथ इस कार की 3994 mm की, हाइट 1572 mm की, व्हील बेस 2500 mm का है एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 205 mm का देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है एंड इस कार को कंफर्टेबली आप कहीं पर भी राइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। दोस्तों, अगर आप लोग इस कार को साइड से कंपेयर करना चाहते हैं किसी महंगी एसयूवी के साथ में तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये कार कहीं भी आप लोगों को पीछे देखने को नहीं मिलेगी एंड ऐसा कुछ आपको पूरा रियर का प्रोफाइल देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही मस्कुलर है। रूफ पर आप देखेंगे शार्पिन एंटीना देखने को मिल जाएगा, बॉडी कलर एंड ये स्पॉइलर यूज़ किया गया है बॉडी कलर स्पोर्टी लुक के साथ में एंड डिज़ाइन भी आपको देखने को मिल जाती है डुअल्स। नीचे आप देखेंगे हाइमोस स्टॉप लैंप है जो कि LED है, इसी में आपको वॉशर का प्लेसमेंट देखने को मिलता है, डिफॉगर पूरा देखने को मिल जाएगा मैट ब्लैक फिनिशिंग में, वाइपर देखने को मिलता है, नीचे निसान का लोगो देखने को मिलता है सिल्वर फिनिशिंग में, 3D क्रोम फिनिशिंग के साथ में मैग्नेट की बैजिंग देखने को मिल जाती है। एंड बात कर लेते हैं टेललाइट के बारे में, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार की टेललाइट देखने को मिलती है जो कि LED यूज़ की गई है एंड इसी में आपको हैलोजन बेस भी लैंप देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस के साथ में आती है टेललाइट। एंड नीचे आप देखेंगे तो रियर का पूरा बम्पर एरिया है जो कि फाइबर बॉडी के साथ में आता है, मैट ब्लैक फिनिशिंग को यूज़ किया गया है एंड इसी पर आपको रिवर्स के पार्किंग सेंसर्स के पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं एंड ये स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है सिल्वर फिनिशिंग के साथ में आती है जैसे फ्रंट में यूज़ की गई है। एंड यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिलती है, रियर के रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं डुअल एंड यहीं पे आपको रियर का
पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है नंबर प्लेट का स्पेस के पास में यूज़ किया गया है। एंड नीचे का प्रोफाइल दिखा दूँ तो पूरा ऐसा है नीचे का प्रोफाइल, एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा, पूरी कवरिंग यूज़ की गई है। सो ओवरऑल दोस्तों मुझे तो रियर साइड का जो प्रोफाइल है वो बहुत ही स्पोर्टी एंड मस्कुलर लगा इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है एंड स्पोर्टी लग रहा है, आप लोग पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। सो एक बार मैं आप लोगों को सेकंड साइड प्रोफाइल दिखा दूँ, वो भी आपको सेम ही देखने को मिल जाता है। एंड अब मैं आप लोगों को इस कार का शोरूम प्राइस बता दूँ फाइनली, जो कि है 7,61,500 रुपये के अप्रॉक्स में। एंड जो ऑनर प्राइस है लखनऊ का वो है 8,71,500 रुपये के अप्रॉक्स में, जिसके अंदर आप लोगों को कंपनी ने बहुत ही अच्छी कार प्रोवाइड की है, वो भी एक एसयूवी के साथ में। एंड सभी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ दिखाने वाला हूँ। एंड अब आ जाता हूँ इस कार के सेकंड रो केबिन की तरफ और बात कर लेता हूँ इस कार के सेकंड रो केबिन के बारे में। तो चलिए चलते हैं, डोर को ओपन करते हैं सेकंड रो केबिन वाले एंड देख लेते हैं डोर ट्रिम कैसा देखने को मिल जाएगा। तो ओपन करते हैं पहले, एंड यहाँ पर आपको डुअल टोन फिनिशिंग में पूरा डोर ट्रिम ऑफर की जाता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम है। एंड यहीं पे सॉफ्ट टच भी देखने को मिलता है, हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी ऊपर देखने को मिल जाएगी, टेक्सचरेटेड यूज़ की गई है। एंड ये डोर ओपनर देखने को मिल जाते हैं, सिल्वर फिनिशिंग में डोर हैंडल्स हैं, सॉफ्ट टच पूरा फैब्रिक वाला देखने को मिल जाएगा, आर्मरेस्ट के साथ में यूज़ किया गया है। उसी के आगे हैंड ग्रिपर है, पावर विंडो के कंट्रोल है एंड ग्लॉसी सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिलती है प्रीमियम इसके साथ में। स्पीकर ग्रिल ऑफर की गई है, बॉटल होल्डर पेपर होल्डर का स्पेस देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल डोर ट्रिम बहुत ही अच्छी यूज़ की गई है। सीट की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की डुअल टोन फिनिशिंग में सीट भी ऑफर की गई है, जो कि आती है ब्लैक फैब्रिक अपॉस्ट्री के साथ में। एंड यहाँ पर डिज़ाइन कट्स को यूज़ किया गया है, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आता है देखने पर। बहुत ही सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल सीट है, थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर डुअल टोन फिनिशिंग देखने को मिल ही रही होगी फैब्रिक वाली। बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल साइड के बूस्टर्स हैं, बैकरेस्ट भी अच्छा खासा है, सीट बेल्ट्स भी देखने को मिलती है, एडजस्टमेंट के साथ में हेडरेस्ट यूज़ किए गए हैं। मिडल में आप देखेंगे तो आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड इसी में आपको डुअल कप होल्डर का स्पेस, मोबाइल होल्डर का स्पेस भी देखने को मिल जाता है। एंड पैसेंजर साइड की भी सेम सीट आपको देखने को मिलती है, डोर ट्रिम भी आपको सेम देखने को मिल जाती है। एंड ऊपर साइड ग्रैब हैंडल्स यूज़ किए गए हैं, रीडिंग लाइट्स भी हैं, आप देख ही सकते हैं सभी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जो लेग स्पेस है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी मैं आप लोगों को एक बार बैठ के दिखा देता हूँ। सो कुछ इस प्रकार का है लेग स्पेस, कंफर्टेबली मैं बैठा हुआ हूँ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। एंड सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है पैसेंजर के लिए इस प्राइस रेंज के अंदर। एंड बॉटल होल्डर का स्पेस देखने को मिलता है सेकंड रो में, सीट के पीछे पॉकेट्स यूज़ की गई हैं ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड में। तो ऐसा है पूरा। एंड कुछ इस प्रकार का फ्रंट रो केबिन देखने को मिलता है, जो कि अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिर उतरते हैं कार के बाहर एंड चलते हैं फ्रंट रो केबिन की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों को बैक साइड का बूट स्पेस दिखा दूं, तो यहाँ पर आपको पूरा पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है, अच्छे खासे स्पेस के साथ में आती है। एंड अब मैं आप लोगों को एक बार बूट स्पेस ओपन करके दिखा दूं कितना बूट स्पेस कंपनी ऑफर करती है इस कार के साथ में। तो डोर को कर देते हैं क्लोज एंड आ जाते हैं बैक साइड में, एंड वन प्रेस करके ही आप बूट स्पेस को ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको 336 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। एंड अच्छा खासा सामान आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। साइड्स में आपको हुक्स देखने को मिल जाते हैं, लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर पैड है जिसको आप उठाएंगे तो यहाँ पर स्पेयर व्हील देखने को मिल जाती है, विद टूल किट के साथ में आती है। एंड कुछ ऐसा है बूट स्पेस, जो कि अच्छे खासे स्पेस के साथ में आता है। तो चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड चलता हूँ फ्रंट में और दिखा देता हूँ आप लोगों को फ्रंट रो केबिन कैसा यूज़ किया गया है। एंड ऐसी कुछ आपको की देखने को मिल जाती है, जिसमें निशान का लोगो है, लॉक अनलॉक का बटन यूज़ किया गया है, स्मार्ट की के साथ में आती है। एंड ओपन करते हैं डोर को। सो यहाँ पे भी आपको सेम ही पूरा डोर ट्रिम देखने को मिल जाएगा, डुअल टोन फिनिशिंग के साथ में आता है। एंड ऊपर साइड देखेंगे हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है, टेक्सचरेटेड सॉलिड यूज़ की गई है। एंड यहाँ पे भी आपको ओपनर देखने को मिल जाता है डोर को ओपन करने के लिए, सॉफ्ट टच पूरा देखने को मिल जाता है फैब्रिक वाला, एंड आर्मरेस्ट भी है। एंड उसके आगे आप देखेंगे तो हैंड ग्रिपर यूज़ किया गया है, सेंटर लॉकिंग ORVM एंड पावर विंडो के पूरे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। एंड ग्लॉसी सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है प्रीमियम सी, ऊपर डोर हैंडल्स है सिल्वर फिनिशिंग में। एंड नीचे स्पीकर ग्रिल बॉटल होल्डर का स्पेस देखने को मिल जाएगा। सेम ही पूरी आपको डोर ट्रिम देखने को मिलती है, जो कि प्रीमियम सी यूज़ की गई है। फ्रंट रो केबिन की बात करें तो वो भी आपको पूरा डुअल टोन फिनिशिंग में ही देखने को मिलता है, प्रीमियम इसके साथ में आता है। सीट की बात करें तो सेम सीट देखने को मिल जाती है, ब्लैक फैब्रिक अपॉस्ट्री के साथ में आती है डुअल टोन वाली। एंड डिज़ाइन देखने को मिल जाती है हनीकॉम पैटर्न के साथ में, बहुत ही सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल है, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा यूज़ किया गया है। नीचे के बूस्टर्स बहुत ही सॉफ्ट हैं, साइड्स के भी बूस्टर्स बहुत ही सॉफ्ट हैं, बैकरेस्ट भी अच्छा खासा यूज़ किया गया है, एडजस्टमेंट के साथ में हेडरेस्ट भी यूज़ किए गए हैं। नीचे आपको लीवर्स देखने को मिलते हैं, जैसे आप सीट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से।
एंड फ्रंट में रोलर है जिससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से आप फ्यूल टैंक को ओपन कर सकते हैं, उसका लीवर है। ABC तीनों पैडल्स देखने को मिलते हैं क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है। एंड यहाँ से फ्रंट का बोनेट ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ से आप हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, सिल्वर ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आते हैं। ओवरऑल डोर ट्रिम बहुत ही प्रीमियम सा है एंड जो सीट कंफर्ट है वो भी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। एंड अब बैठ जाते हैं फ्रंट रो केबिन के अंदर एंड वन बाय वन करके एक्सप्लोर करते हैं सभी फीचर्स को। सो एक बार डैशबोर्ड में आपको दिखा दूँ जो कि कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। एंड डिस्प्ले आप देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। एंड अब आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पे, तो यहाँ पर आपको 3-स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील ऑफर की जाती है जो कि बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग के साथ में आती है। कंफर्टेबली आप ग्रिप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फ्लैट बॉटम एरिया देखने को मिल जाता है एक स्पोर्टी लुक के लिए। मिडल में निशान का लोगो है एंड साइड्स में आप देखेंगे पूरी सराउंडिंग में सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिलती है। ग्लॉसी सी एयरबैग की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपको टेलीकॉलिंग, म्यूजिक कंट्रोल एंड वॉइस कमांड के स्विचेस देखने को मिलते हैं। राइट साइड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के स्विचेस देखने को मिल जाएंगे एंड लेफ्ट साइड में वाइपर के पूरे कंट्रोल्स यूज़ किए गए हैं। राइट साइड में मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर, हेडलाइट के पूरे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। एंड अब चेक कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील कैसी देखने को मिलती है, तो पहले मैं एक बार अनलॉक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर केवल आपको टिल्ट का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है, तो फिर से मैं लॉक कर देता हूँ। सो दोस्तों अब चलते हैं इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो यहाँ पर आपको TFT कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, वो भी डिस्प्ले के साथ में एंड बहुत ही प्रीमियम है। एंड लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिलता है जिसके माध्यम से कार स्टार्ट हो जाती है। एंड इसको मैं प्रेस करके एक बार आपको दिखा देता हूँ ऑन करके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ऑन होने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है एंड इसी के अंदर आपको ऑल इन्फॉर्मेशन, चेक लाइट्स एंड जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। राइट साइड में आप देखेंगे तो फ्यूल इग्निशन देखने को मिलता है, मिडल में TFT डिस्प्ले यूज़ किया गया है। लेफ्ट साइड में टेम्परेचर का इग्निशन देखने को मिल जाएगा एंड डिस्प्ले पे आप देखेंगे तो यहीं पे आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, KM और जो फंक्शंस हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। डिजिटल क्लॉक देखने को मिल जाती है एंड स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही आपको बटन्स देखने को मिल जाते हैं जिससे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक बार करके। एनिमेशन के साथ में सभी इन्फॉर्मेशन आएंगी अभी एंड आप देख ही रहे हैं पूरे एनिमेशन के साथ में आती हैं, बहुत ही प्रीमियम लगती हैं देखने पर। इसी में आपको फ्यूल हिस्ट्री एंड उसके साथ में फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिल रही है एंड यहाँ पर और भी फंक्शंस हैं जो आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ट्रिप मीटर को एडजस्ट कर सकते हैं एंड जो फंक्शंस हैं उनको आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्राइव कंप्यूटर ए एंड और जो फंक्शंस हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप करके। सो कुछ इस प्रकार का है जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। एंड अब आ जाते हैं सेंटर कंसोल की तरफ जो कि आपको पूरा प्रीमियम सा देखने को मिल जाएगा। ऊपर डुअल AC वेंट देखने को मिलते हैं जो कि सिल्वर गार्निश के साथ में आते हैं, बहुत ही प्रीमियम लगते हैं। एंड उसी के नीचे टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर एंड साथ ही साथ इसमें आपको नेविगेशन, रियर का जो कैमरा है, सेंसर्स हैं एंड जो व्हीकल की इंफॉर्मेशन है, सेटिंग्स हैं वो सभी आप देख सकते हैं। नेविगेशन, कॉल के जो फंक्शन है, ब्लूटूथ इनेबल ऑफ करना है एंड जो म्यूजिक सिस्टम है वो सभी आप देख सकते हैं। एंड जो टच रिस्पॉन्स है वो भी आपको बहुत ही अच्छा सा देखने को मिल जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी सराउंडिंग में यूज़ की गई है इस डिस्प्ले के, जैसे कि पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रीमियम लुक के लिए यूज़ की गई है। म्यूजिक सिस्टम के नीचे आपको बटन देखने को मिलते हैं जिसमें आपको हैजार्ड लाइट का स्विच एंड लॉक का बटन देखने को मिलता है एंड ये पूरे स्विचेस देखने को मिलते हैं जिससे आप AC को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। उन्हीं के रोलर्स यूज़ किए गए हैं क्रोम गार्निश के साथ में एंड इसके नीचे मोबाइल होल्डर का स्पेस देखने को मिल जाएगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है एंड डुअल टोन फिनिशिंग में पीच फिनिशिंग देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही प्रीमियम सी है। 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने को मिलेगा उसी के नीचे एंड थोड़ा सा स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। एंड बैक साइड में आता है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग के साथ में आता है, पूरा लेदर रैप यूज़ किया गया है। एंड सराउंडिंग में आप देखेंगे तो सिल्वर फिनिशिंग यूज़ की गई है प्रीमियमनेस के लिए। एंड ये हैंडब्रेक देखने को मिलती है, डुअल कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड अब चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ जो कि आपको पूरा डुअल टोन फिनिशिंग में ऑफर किया जाता है। एंड ये आता है हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी के साथ में टेक्चरेटेड एंड ग्लॉसी फिनिशिंग में यूज़ की गई है स्लिमिंग के लिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड को पैसेंजर साइड में भी आपको इस इवेंट सेम देखने को मिलते हैं, एयरबैग की बैजिंग है एंड यहाँ पे भी आपको पीच फिनिशिंग देखने को मिलती है। एंड ये ग्लो बॉक्स है जो कि लाइटिंग के साथ में आता है, अच्छा खासा स्पेस भी यूज़ किया गया है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। को पैसेंजर की जो सीट है वो भी आपको सेम ही देखने को मिलेगी डुअल टोन फिनिशिंग में, डोर ट्रिम भी सेम देखने को मिल जाएगा एंड ऊपर साइड देखेंगे तो हैंड ग्रिपर भी देखने को मिल जाएगा को पैसेंजर के लिए। एंड अब देख लेते हैं इंटीरियर रूफ को, तो यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में डे एंड नाइट वाला IRVM देखने को मिल जाता है, रीडिंग लाइट्स यूज़ की गई हैं एंड ये वैरायटी पैड देखने को मिल जाएगा जिसमें मिरर का ऑप्शन भी यूज़ किया गया है, एयरबैग की बैजिंग है
एंड दोस्तों रीडिंग लाइट्स के पीछे आपको एक पॉइंट देखने को मिलता है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये किस लिए यूज़ किया गया है ये मुझे भी नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए। एंड ड्राइवर साइड में भी आपको वैरायटी पैड विथ मिरर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड यहीं पर आपको डुअल रूफ माइक देखने को मिल जाते हैं ड्राइवर साइड में यूज़ किए गए हैं। सो ओवरऑल कुछ इस प्रकार का है फ्रंट टू केबिन जो कि बहुत ही प्रीमियम फीचर्स के साथ में आता है। सभी स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि लग्जरी कार्स में यूज़ किए जाते हैं एसयूवी वाले। एंड अब मैं आप लोगों को इस कार के सेफ्टी के पॉइंट्स बता दूं तो इस कार में आपको डुअल एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं, ABS विद ABD, रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स कैमरा एंड साथ ही साथ एशियन NCAP की तरफ से 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड की गई है जो कि बहुत ही बेहतर है। तो चलिए अब चलते हैं कार के बाहर उतरते हैं एंड आ जाते हैं इंजन की तरफ और बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस कार में आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है जो कि आता है 999 cc के साथ में, जिसकी मैक्स पावर है 72 PS की एंड जो मैक्स टॉर्क है वो है 96 Nm की। बात करें अगर माइलेज की तो यहाँ पर आपको कंपनी क्लेम करती है 18 से 19 km/h का माइलेज जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल अगर बात करें पूरी कार के बारे में तो कार के अंदर आप लोगों को पूरी SUV वाले फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, या फिर आप कंपेयर करेंगे किसी SUV से तो कहीं भी ये कार आप लोगों को पीछे देखने को नहीं मिलेगी। सो आई होप आप लोगों को आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।